बात हिंदू नहीं मानते हैं अपने आप को? हाँ नहीं मानते, हमारा व्यक्तिगत चॉइस है, हमारा ये इंटरेस्ट है कि हम नहीं मानना। लेकिन ऊंट वाले को और ऊंट को वो उन्होंने थाने में बंद करके देर रात तक रखा, भूखा प्यासा ऊंट, क्योंकि आज की तारीख में सत्ता बीजेपी के पास है और बीजेपी पुलिस का और तमाम तरीके की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और उस आड़ में जो प्रशासन में भी इस तरीके के लोग बैठे हैं जो पॉलिटिकली अपने आप को बीजेपी के साथ कंफर्ट महसूस करते हैं, वो लोग इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। इस देश में आदिवासियों के जो सवाल हैं उसको पिछले 70-75 सालों से कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया गया, उसे पर्दे के पीछे धकेल दिया गया, उसकी बात संसद के भीतर नहीं हो रही है, आदिवासियों की बात विधानसभाओं में नहीं हो रही है। स्वागत है आपका फिर से एक बार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं रंजय कुमार। और देश में चुनाव हुए और जो है आज जो है लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव चल रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं बाप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीना जी। सर पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का और इसके देखने वाले हज़ारों लाखों लोगों का। जी सर, कल जो है आपके पार्टी के सांसद हैं, आदिवासी सांसद हैं राजकुमार रौत जी, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद हैं, और कल वो ऊंट से जाना चाहते थे संसद की ओर लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दिल्ली पुलिस जो है अगर हम लोग देखें तो उसका जो रवैया हमेशा से जो विपक्षी दलों को लेकर के रहा है वो हमेशा से भेदभावपूर्ण रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि संसद में कोई किसी जानवर को लेकर के जाए। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी कंप्यूटर क्रांति के खिलाफ में एक बैलगाड़ी लेकर के निकले थे और वो पार्लियामेंट के अंदर तक बैलगाड़ी गई थी। लेकिन जब हमारे सांसद राजकुमार रौत जी ने ऊंट से, ऊंट बेसिकली सिर्फ जानवर नहीं है, राजस्थान की शान कहा जाता है, आदिवासियों का पूरा जीवन सर्किल जो है उससे जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ जानवर है, उसके साथ साथ आप कहते हैं रेगिस्तान का जहाज है जिसमें कि पूरा राजस्थान का टूरिज्म में भी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आप देखेंगे तो रोज आपको शाम के टाइम पे इंडिया गेट पे ऊंट की सवारी करते हुए हजारों पर्यटक मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि लुटियंस जोन में जानवरों की परमिशन नहीं है। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जानवर तो यहाँ लुटियंस जोन में घूम रहे हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी उनको, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि अगर कोई सांसद सेल्फ ड्राइविंग करके लेकर के जाता है, सेल्फ अपनी खुद चला करके लेकर के जाता है तो उसे परमिशन है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें जाने से रोक दिया, थोड़ी दूरी तक जाने दिया, उसके बाद उन्होंने रोक दिया। और उसके बाद हैरानी की बात यह हुई कि हम लोग तो शपथ के लिए अंदर चले गए लेकिन ऊंट वाले को और ऊंट को वो उन्होंने थाने में बंद करके देर रात तक रखा, भूखा प्यासा ऊंट, उस जानवर को जिसको जिसके दुहाई वो दे रहे थे उसी जानवर को उन्होंने भूखा प्यासा जो है थाने के अंदर बंद करके रखा गया, देर रात में जाकर के उसको छोड़ा गया। ये सच में ये कार्रवाई जो है ये विपक्षियों के प्रति या ये कह सकते हैं कि आदिवासियों के प्रति ये बहुत ही भेदभावपूर्ण कार्रवाई थी पुलिस की, जो कि जिसकी जरूरत नहीं थी। उन्हें ये समझना होगा कि ये देश सबका है, इस देश में आदिवासियों की भी उतनी भागीदारी है, राजस्थानियों की भी उतनी भागीदारी है, वो सबकी उतनी भागीदारी है जितनी की किसी और की है। तो ऐसे में जब कोई सांसद बीजेपी का किसी चीज से जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। आपने देखा होगा कि एक सांसद साइकिल से गए, उन्हें जाने दिया गया था, लेकिन राजस्थान से सीपीएम के सांसद है अमरा राम जी, जब वो ट्रैक्टर से जाने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। तो ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया क्या लगता है, अन्य दल के लोग जब भाजपा के लोग या जो है अन्य दल के लोग जो जाते हैं तो उनको नहीं रोका जाता है, आप लोगों को रोक दिया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि ये सत्ता की हनक है, क्योंकि आज की तारीख में सत्ता बीजेपी के पास है और बीजेपी पुलिस का और तमाम तरीके की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और उस आड़ में जो प्रशासन में भी इस तरीके के लोग बैठे हैं जो पॉलिटिकली अपने आप को बीजेपी के साथ कंफर्ट महसूस करते हैं, वो लोग इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी एजेंसी ऐसा करे या सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके से सत्ता के हिसाब से वो एक्शन ले रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। मात्र 15 दिन हुए हैं, 100 दिन का एजेंडा कि मोदी सरकार लेके चल रही थी कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 100 दिन में हम क्या क्या करेंगे, लेकिन अभी 10 दिन मात्र हुए हैं और देश में हम देखते हैं कि जिस तरह से शपथ के बाद लगातार कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई, टोल टैक्स बढ़ा दिए गए, दूध के दाम बढ़ गए, नीट का एग्जाम का जो है वो स्कैम सामने आ गया और जो एग्जाम के रिजल्ट डेट आगे बढ़ा दिए गए, क्या कहना चाहेंगे इस 10 से 15 दिन जो अभी सरकार का कार्यकाल? देखिए आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार टोटली फेल कर गई है, सरकार जो है कंप्लीटली फेल है। उसको अगर देखें तो उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
कि जो भी कश्मीर के भीतर इस तरीके की गतिविधियां चलें तो ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला था, लेकिन वो उसको जो है नहीं रोक पाए, तो ये सरकार का फेल्योर है। दूसरी चीज, नीट का एग्जाम हो, यूजीसी सीएसआईआर का, नेट का एग्जाम हो या बाकी की एग्जाम हो, ये जब फेल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिस एजेंसी के ये जिम्मे था एनटीए, वो एजेंसी कम्प्लीटली फेल कर गई है। तो इसलिए आप देखेंगे तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो एजेंसी सरकार ने अपॉइंट की थी इस काम को करने के लिए, वो कम्प्लीटली फेल कर रही है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बार हो रहा है, हालांकि 1952 में और 76 में ये बात कही जा रही थी हुआ था, लेकिन परंपरा यही रही है कि जो भी दल सबसे बड़ा रहा है उसके पास लोकसभा अध्यक्ष का पद जाता है। आप लोगों ने ये चुनाव इस बार करवा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप एज ए विपक्ष उनको परेशान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परंपरा रही है, लेकिन ये संवैधानिक तौर पर ऐसा नहीं है कि इसी को फॉलो किया जाए। संविधान में इस बात की इजाजत है कि आप अपना प्रतिनिधि, आप अपना जो कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन ने, बाकी विपक्ष ने अपना कैंडिडेट दिया और उस पर जो है चुनाव हुआ, लेकिन यह है कि ध्वनि मत से जो है उमरिला जी को चुन लिया गया। लेकिन दूसरी चीज, अगर हम परंपरा की बात करते तो परंपरा में तो ये भी रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल में नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अगर परंपरा की बात करें तो परंपरा तो सरकार की जिम्मेदारी थी, बीजेपी की जिम्मेदारी थी कि वो उस परंपरा का निर्वहन करते, लेकिन उस परंपरा का उन्होंने फॉलोअप नहीं किया, इसीलिए चुनाव जैसी नौबत आई। अगर उन्होंने ये किया होता तो ये नौबत नहीं आती। और उनसे इस बार भी ये बात हुई थी, बात की जा रही थी, उनकी तरफ से प्रपोजल भी उन्होंने दिया था, इधर से भी प्रपोजल रखा गया था कि अगर आप स्पीकर का पद लेना चाहते हैं तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया और इसीलिए ये सिचुएशन बनी। जी, आपके पार्टी के सांसद हैं राजकुमार रॉय जी, वो कहते हैं इस देश में जो है अभी आपने देखा है कि कितना हिंदू मुस्लिम हुआ है पिछले 10 सालों में, और भी पहले भी ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लगातार रहा है। ऐसे में आपके जो सांसद हैं राजकुमार रॉय कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, जबकि इस देश में कई पार्टियां जो है अपना जैसे आरएसएस नारा लगाती है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ऐसे में आपके जो सांसद हैं वो कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो गलत हो गया उनका नारा कि हम तो हिंदू हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम दलितों की बात कर रहे हैं, हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात। हिंदू नहीं मानते हैं अपने आप को? हाँ, नहीं मानते, हमारा व्यक्तिगत चॉइस है, किसी को मानना है वो उसका व्यक्तिगत चॉइस है, भारत का संविधान भी है, लेकिन हमारा ये इंटरेस्ट है कि हम नहीं मानना है। और दूसरे एक चीज देखिए कि आदिवासी इस देश में तब से रह रहे हैं जब से किसी धर्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, किसी धर्म का उदय ही नहीं होता, उससे पहले से आदिवासी रह रहे हैं। आदिवासियों में से किसी तबके ने, किसी ने बुद्धिज्म को ऑप्ट कर लिया, किसी ने जैनिज्म को ऑप्ट कर लिया, किसी ने हिंदुज्म को ऑप्ट कर लिया, किसी ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने क्रिश्चियनिटी को ऑप्ट कर लिया, वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी भी वो लोग भी तो हैं जिन्होंने किसी को भी ऑप्ट नहीं किया है। आदिवासियों के एक तबका सरना धर्म को मानता है, तो ऐसे में आदिवासी हिंदू नहीं है, ये तो बात सही है। और दूसरा, उसके साथ साथ ये व्यक्तिगत मसला भी है कि हमारी चॉइस है, हम नहीं मानते। और इसलिए भी दूसरी चीज अगर देखें, टेक्निकली भी समझे तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, दत्तक पुत्र जो और संरक्षण अधिनियम है, वो सब लागू नहीं होते आदिवासियों पर, तो टेक्निकली भी हम हिंदू नहीं है, बस इतनी बात है। इस देश में हर रोज एक नई पार्टी बन जाती है, कोई आप बन जाता है, कोई बाप बन जाता है, क्या उद्देश्य है बाप पार्टी का? देखिए, हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि इस देश में आदिवासियों के जो सवाल हैं उसको पिछले 70-75 सालों से कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया गया, उसे पर्दे के पीछे धकेल दिया गया, उसकी बात संसद के भीतर नहीं हो रही है, आदिवासियों की बात विधानसभाओं में नहीं हो रही है, भले ही उनके रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग पार्टियों से आए, लेकिन आदिवासियों की बात नहीं हो रही है। आज की तारीख में देश में आप देखेंगे तो लगातार आदिवासियों को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। और हम उसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि आदिवासियों की जो गौरव है, आदिवासियों का जो सम्मान है, उसे वापस लेकर के आए और आदिवासियों के सवालों को मेन स्ट्रीम में लेकर के आए, और यही हमारा उद्देश्य है। बाप पार्टी के बारे में थोड़ा बताएं, कब इसका जो गठन हुआ, और शायद 8 महीने पहले ही इस पार्टी का गठन होता, आप खुद ही इनका पूरा बताएं कब? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी का गठन हमने पिछले साल सितंबर में किया था, 10 सितंबर को डूंगरपुर में इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ था, और उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली,
महाराष्ट्र तक के आदिवासी उस समय शामिल हुए थे, और तभी हमने तय किया था कि हम आदिवासियों की आवाज़ को मजबूती से बुलंद करेंगे। और उसका असर ये हुआ कि हमने 4 विधायक जीते और इस बार 1 सांसद है, और हम मजबूती से आगे लड़ रहे हैं। और देश भर में जहाँ भी आदिवासी हैं, जहाँ भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हम हर जगह वहाँ पर जाएंगे। भील प्रदेश को भी लेकर आप लोगों की मांग है। जी देखिए, भील प्रदेश ऐसा है कि भील प्रदेश का पूरा इलाका जो है आप देखेंगे तो भील टेरिटरी के नाम से कॉलोनियल एरा में जाना जाता रहा आज़ादी के पहले से, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और उसके साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसके लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट हैं जो भील टेरिटरी के नाम से जाने जाते हैं। हम उसी प्रदेश की मांग कर रहे हैं ताकि हम अपने लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे झारखंड बनने के बाद में आदिवासियों के, झारखंडी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, वैसे हम मांग कर रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक मांग है, और हम इस लड़ाई को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के इसको आगे बढ़ रहे हैं। जी, और सर आपने देखा भी होगा कि भील प्रदेश का नारा पहली बार संसद के पटल पर गूंजा भी था। ठीक है सर, धन्यवाद आपने हमसे बात। थैंक यू। तो आपने सुना जितेंद्र मीना को, जो कि बाप पार्टी के जो हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और इन्होंने अपनी कई मुद्दों पे बातचीत रखी नीट के एग्ज़ाम को लेके। पिछले 15 दिनों में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, देश में जो महंगाई हुआ, और भी सारे मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात की। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।